अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी भक्त हो नमस्कार। स्वामी स्वरूप परम पूज्य सद्गुरु श्री लाटकर काकांच्या संचार अवस्थेत प्रस्तुत श्री स्वामी चरित्र तत्व रहस्य हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे। आपल्याला प्रत्यक्ष स्वामी समर्थांच्या मुखातूनच हे ऐकायला मिळत आहे, हे आपले अहोभाग्यच आहे। श्रद्धावान स्वामी भक्तांनी याचा अवश्य लाभ घ्यावा। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। प्रस्तुत प्रति गुरुवार सदगुरु का दिन होता है। प्रति गुरुवार गुरु तत्व से होता प्रोत समग्र ब्रह्मांड सतगुरु की परिक्रमा होती है। अपने प्रिय भक्त के रक्षणार्थ, अपने प्रिय भक्त के सुपंथ पर चलने की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष स्वामी रक्षण करते हैं। परीक्षा अवश्य लेते हैं क्षण क्षण में, किंतु कितनी संवेदना है सद्गुरु के प्रति, कितना शरण भाव है, कितना समर्पण भाव है, ये अवश्य देखा जाता है। जो स्थिर है, जो अचल है, जो अभेद्य है, जो ज्ञान जिसकी साधना परिपूर्णता की स्थिति पर आई है, जो संपूर्ण श्रद्धा प्रेम भक्ति से सदगुरु के चरण पर स्वयं को समर्पण कर चुका है, ऐसे भक्त को सदगुरु अवश्य रक्षण करते हैं। जान जाओ, देखा जाता है कितना अभिनिवेश, कितना अहंकार शेष है जीव के प्रति, कितनी संवेदना है अवश्य देखा जाता है। यद्यपि समग्र जगत में परब्रह्म परमेश्वर को ही देखा जाएगा, यद्यपि समग्र ब्रह्मांड के प्रत्येक अणुरेणु के केंद्र तथा आविष्कार भी सद्गुरु स्वामी को ही देखा जाएगा। ऐसे भक्त को अवश्य रक्षण किया जाता है। ऋषि के कारण सद्गुरु स्वयं सर्वश्रेष्ठ है। सद्गुरु स्वयं सर्वव्याप्त तत्व है। सद्गुरु स्वयं परब्रह्म परमेश्वर का ही आविष्कार है। जान जाओ। प्रस्तुत स्वामी कथा लीला में देवलोक में इंद्र सभा में अमृत तत्व के बारे बड़े जोर शोर से चर्चा चिंतन चल रहा था, जिसमें समग्र देव देवताएं सद्गुरु स्वामी को प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या स्वर्गलोक में आए पश्चात समग्र देव देवताएं अमृत पान करते हैं, अमृतत्व प्राप्त कर लेते हैं, क्या ही असत्य है? स्वामी ने बड़ी प्रसन्नता से हास्य करते हुए इस
अमर अमृत तत्व के बारे में विवेचन प्रारंभ किया था, जिसमें प्रारंभ में कहा था कि किसी अमृत नामक द्रव्य पीने से कोई अमर नहीं होता, स्वर्गस्थ जाने से कोई अमर पद प्राप्त नहीं कर सकता, भले ही देवराज इंद्र स्वयं अनंत पुण्य से उत्प्रोत समग्र दिव्य भोग प्राप्त करने वाले अथवा अत्यंत बलशाली वायुदेव परब्रह्म परमेश्वर के मुख स्थान पर जो अग्नि तत्व है वह स्वयं अग्निदेव तथा अन्य देवगण जो स्वयं के विशेष सिद्धि में सिद्ध हुए थे, जो समग्र ब्रह्मांड के प्रकृति प्रक्रिया भी जिनका श्रेष्ठतम योगदान था, जिनके योगदान से समग्र सृष्टि समग्र प्रकृति समग्र ब्रह्मांड का कार्य चलता है, ऋषि के कारण पर्जन्य कहता है कि मेरे ही प्रभाव से भूलोक पर पर्जन्य होता है, पर्जन्य से अन्न औषधि, अन्न से प्रजा होती है, प्रजा से कर्म होता है, केवल मेरे ही कारण ये चक्र चल रहा है। ऋषि प्रकार से प्रत्येक सिद्धि प्राप्त किए हुए विशेष देवगण अपने अपने विशेष सिद्धि के कारण अपने अपने विशेष निपुणता के कारण अहंकार से युक्त थे, कर्तृत्व भाव से युक्त थे तथा प्रत्येक देव जैसे भिन्न भिन्न सिद्धि से युक्त थे उसी प्रकार से अनंत दिव्य योग भोग से प्राप्त करते हुए दिव्य भोग वस्त्रालंकार भव्य प्रसाद जैसे अनंत दिव्य भोग प्राप्त करते हुए तथा दिव्य सिद्धि से उत्प्रोत प्रत्येक देवगण को विशेष अभिनिवेश था, विशेष अहंकार था तथा भूलोक पर जब अवलोकन करता है वायु तत्व वरुणराज पर्जन्य तत्व अग्नि तत्व जब समग्र देवलोक भूलोक के भिन्न भिन्न तीर्थ क्षेत्र पर आते हैं अवश्य तीर्थ वेश पवित्र स्नान करते हैं, शिव शंभु का पूजन करते हैं, पुण्य प्राप्त होता है, पुण्य का संचय अखंडता से प्राप्त होता है देवगंधर्वों को, ऋषि पुण्य के कारण अनंत दिव्य भोग प्राप्त होते है, ये चक्र चल रहा है सहस्त्रादि वर्ष से तथा जो मनुष्य इस भूलोक पर यज्ञ दान तपस्वाध्याय कर्म इत्यादि दिव्य कर्म करते हुए पुण्य का
का संचय करते हैं। और जब पुण्य का संचय अति स्तर पर जाता है तदपश्चात देशपात के पश्चात ऐसे मनुष्य का जीवात्मा स्वर्गस्थ हो जाता है, विशेष देवगण में गणना होती है, दिव्य भोग प्राप्त होते हैं, भूलोक पर जितनी कामनाएं सिद्ध करने के प्रयास में यज्ञ दान तप इत्यादि दिव्य कर्म करने के पश्चात मनुष्य को भी अवश्य पुण्य संचय होता है। इसी के परिणाम स्वरूप इनकी गणना देवगण में होती है। यही चक्र चल रहा है अनादि काल से। शस्त्र शस्त्रादि वर्ष तक स्वर्ग में स्थित होते हैं। ऋषि के कारण समग्र देवगण में ऐसी धारणा अवश्य हुई कि वह अमर है। अमृत पान के कारण वह अमर है। स्वर्ग के स्थान पर स्थित होने के कारण वह अमर है। युवावस्था ही अखंडता से रहती है। ना कोई वार्धक्य है, ना कोई व्याधि है, ना कोई क्षीणता है। भोग अखंडता से प्राप्त करते हैं। इसी के विपरीत मनुष्य लोक भूलोक में मनुष्य बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था में जाता है, प्रत्यक्ष प्रतीति प्राप्त करता है देश के परिवर्तन के, भोग प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु समग्र भोग प्राप्त नहीं होते। अंशात्मक जैसे पूर्व कर्म है, जैसे प्रारब्ध स्थिति है, इस प्रकार से भोग मनुष्य को प्राप्त होती है अवश्य, किंतु जैसे ही पुण्य संचय पर्याप्त हुआ वैसे ही देवपात के पश्चात मनुष्य स्वयं स्वर्गस्थ हो जाता है, जिसमें दिव्य देह प्राप्त होता है, विद्युत तथा वायु स्वरूप देह, जिसे अन्न की कोई अनिवार्यता नहीं, जिसे अन्नमय कोश की कोई अनिवार्यता नहीं, जो अत्यंत वेग प्रवेग से एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, बड़ी क्षमता से भोग प्राप्त करता है, बड़ी क्षमता से भोग का भोगता हो जाता है। और यही केवल यही कारण उन्हें पर्याप्त लगता है कि वो अमर है, वो अमृत पान करते हैं। ऐसे विधान जब सद्गुरु स्वामी के सम्मुख भिन्न भिन्न देव लोगों ने रखा, बड़ा समर्थन किया उनके अमरता के बारे, उनके भोग प्राप्ति के बारे तथा सद्गुरु के मुख से ईश्वर समर्थन की अपेक्षा करते हुए स्वामी की ओर समग्र देवलोक देख रहे थे। स्वामी बड़ी प्रसन्नता से
हास्य करते हुए इस पर विवेचन कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा अमर कोई स्थिति नहीं है, अमर कोई वस्तु पदार्थ की स्थिति नहीं है, अमर कोई देह की स्थिति नहीं है, अमर कोई भोग की स्थिति नहीं है। समग्र प्रकृति के जितने भी अंग है, सत्व रज तम तथा आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी इत्यादि अष्ट अंग प्रकृति स्वयं के प्रत्येक अंग को अखंडता से क्रिया में लगाते हुए परिवर्तनशील है। प्रकृति स्वयं परिवर्तनशील। ऋषि के कारण प्रकृति का कोई अंग अमर तत्व से कदापि जुड़ा हुआ नहीं। अष्टदा प्रकृति अपरा प्रकृति परब्रह्म परमेश्वर के आविष्कार का ही एक अंग है, किंतु स्वतंत्रता से वह स्वयं अमर तत्व के प्रतीक कदापि नहीं है। देवगण जो दिव्य देह धारण कर रहे हैं, जिनके दिव्य देह में वायु तत्व है, विद्युत अग्नि तत्व है, जिनकी ईषणा में सत्व रज तमो गुण का प्रावधान है, जिनके भोगों में सत्व रज तथा तमो गुण का प्रावधान है, वृष प्रकार से त्रिगुण से युक्त समग्र ईषणाएं है, पंच महाभूतों से युक्त उनके देह है, ऋषि के कारण जिस देह को वह अमर समझते थे वह प्रकृति का अंग है, जो अष्टदा प्रकृति के अपरा प्रकृति के अंग है, जिसको धारण किया है आत्म तत्व ने देवलोक के भीतर प्रत्येक सिद्धि के अधिष्ठान में, प्रत्येक क्रिया के अधिष्ठान में, प्रत्येक अपरा प्रकृति के अंग के अधिष्ठान में जीवात्मा स्वयं स्थित है। किंतु इसके बारे में देवगण स्वयं सतर्क नहीं थे, कारण वह स्वयं भोग प्रभोग में ही युक्त थे, आसक्त थे। ऋषि को अमर तत्व के साथ संबंध प्रस्तावित करने का प्रयास कर रहे थे, जानो तत्व को जानो। स्वामी ने कहा कि जिसे जन्म है उसे मृत्यु अवश्य है, जो निर्माण होता है वह अवश्य नष्ट होता है, जो प्रकृति का अंग है वह अवश्य परिवर्तनशील है, वही असत तत्व है, वही अपरा प्रकृति है, वही परब्रह्म परमेश्वर का स्थूल आविष्कार है। किंतु ये अमर तत्व के साथ जुड़ा नहीं जाता, अमर तत्व स्वयं आत्म तत्व है। ऋषि प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जीवात्मा को सुनिश्चित प्रयास, सुनिश्चित साधना,
सुनिश्चित तपस्या करनी अनिवार्य है। जिस तपस्या के कारण मनुष्य भली भांति अवगत हो जाता है स्वयं के अपरा प्रकृति को, अवश्य ज्ञान प्राप्त करता है स्वयं के अधिष्ठान को। अधिष्ठान जो जीव तत्व से आत्म तत्व से जुड़ा हुआ परा प्रकृति है, परा प्रकृति जो पंच तत्व से ही परा है, जो त्रिगुण से परा है, जब स्वयं चेतन अभिनिवेश में प्रविष्ट होते हुए आविष्कृत होता है, तत्पश्चात जीव भाव उद्भव होता है, जब चेतन स्वयं अपरा प्रकृति में स्थित होते हुए चैतन्यमय क्रिया से आविष्कृत होता है, वही जीवात्मा है। जब परब्रह्म परमेश्वर का सच्चिदानंद तत्व बीज रूप में परा प्रकृति के रूप में तपस्वी स्वरूप धारण करता है, जब यही सच्चिदानंद घन स्वरूप तत्व स्वयं प्रकृति में अहंकार को धारण करते हुए आविष्कृत होता है, वही जीवात्मा है। यह जीवात्मा ही परा प्रकृति है, जिसमें जीव भाव के कारण स्वयं की विस्मृति होती है, विस्मृति के कारण आसक्ति होती है, आसक्ति के कारण ईर्ष्या उद्भव होती है, ईर्ष्या के कारण भोग प्राप्ति की प्रवृत्ति होती है, भोग प्राप्ति के कारण अखंड परिवर्तनशील असत तत्व परा तत्व के साथ संबंध प्रस्तावित होता है। यही संबंध मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु के दिशा में सुनिश्चित ले जाता है। जान जाओ, ऋषि सूत्र को इसी तत्व को इसी सिद्धांत को जानते हुए समग्र देवलोक जिन्होंने इस अपरा प्रकृति को धारण किया है, जिन्होंने इस अष्टदा प्रकृति को धारण किया है तथा जिन्होंने समग्र भोग प्राप्त करने अखंड लालसा रखी है, जिन्होंने समग्र वासना समग्र ईर्ष्या समग्र इच्छाएं परिपूर्ण करने के लिए दिव्य भोग प्राप्त किए हैं, ये अवश्य जन्म तथा मृत्यु के चक्र में भ्रमण करेंगे। भासमान काल गणना की होती है। स्वर्गस्थ जीवात्मा देह लगभग 40 सहस्त्र वर्ष तक रखता है, सापेक्षता से मनुष्य से अतिव अधिक आयु रखने के कारण वो स्वयं को अवन समझता है, ये सापेक्षता की बात है। किंतु परब्रह्म परमेश्वर के दृष्टि से लक्ष लक्ष वर्ष केवल क्षण होता है, इसके कारण देवलोक में भी जन्म तथा मृत्यु अवश्य होती है। इस प्रकार से मृत्यु तत्व के बारे में सद्गुरु स्वामी ने विस्तार से विवेचन किया। तत्पश्चात अमर तत्व के बारे में विस्तार से कथन करते हुए स्वामी कहने लगे, जिस परब्रह्म परमेश्वर तत्व को यद्यपि कोई जीवात्मा प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा, साधना तपस्या करेगा, जिसके कारण वह स्वयं ही स्वयं में स्थित होते हुए स्वरूप को प्राप्त करता है,
स्वरूप से ऊर्जा, ऊर्जा से आत्म प्रज्ञा, प्रज्ञा से आत्म प्रेरणा, आत्म प्रेरणा से सद्गुरु प्रत्यक्ष शक्तिपात करते हुए सद्गुरु प्रत्यक्ष ऐसे दिव्य आत्मा के साथ अवश्य आदान प्रदान करते हुए आशीर्वचन देते हैं बेटा, जिसके कारण ऐसे जीवात्मा के भीतर परब्रह्म प्रवेश प्रकाश निर्गुण तथा सगुण रूप उद्भव होता है। सगुण साकार सद्गुरु है, सगुण साकार परब्रह्म प्रवेश प्रकाश प्रत्यक्ष रूप सद्गुरु का ही रूप है, जो अतीव दुर्लभ है, जिसे प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। देवगण स्वयं भोग प्रभोग में युक्त होने के कारण इस आत्म प्रेरणा को प्राप्त करना असंभव है। जब पुण्य का क्षीण हो जाएगा, तत्पश्चात जब फूलोक आएंगे, मनुष्य देह धारण करते हुए पुनश्च सद्गुरु का स्मरण करते हुए सद्गुरु के सम्मुख शरण भाव से स्वयं को प्रस्तुत करेंगे, तत्पश्चात उसे भोग प्रभोग से मुक्त करते हुए प्रत्यक्ष सद्गुरु अमर तत्व की दिशा में अवश्य ले जाते हैं। इसके कारण स्वामी ने समग्र देवगण को कहा कि प्रथम तुम्हारे समग्र भोग प्राप्त करते हुए से तृप्त हो जाओ, तत्पश्चात भूलोक पधारो, मनुष्य देह धारण करो, सत्संग प्राप्त करो। वही स्थान है जहां स्वरूप प्राप्त होगा, स्वरूप ज्ञान प्राप्त होगा, परब्रह्म परमेश्वर का निर्गुण तथा सगुण रूप प्राप्त होगा, भक्ति की ऊर्जा प्राप्त होगी और इसी माध्यम से अमर तत्व अवश्य अवगत हो जाएगा, जिसके अनंत कथाएं इस भूलोक पर अनंत सत्संग प्राप्त किए हुए संतों के है, जिसके बारे सद्गुरु स्वामी ने भिन्न भिन्न कथाएं कही थी अमर तत्व की। इस भूलोक पर गंधर्वपुर है जहां अमर तत्व प्राप्त करते हैं समग्र लोक। इस भूलोक पर अमरेश्वर का स्थान है जहां सद्गुरु प्राप्त करने के लिए मनुष्य तपस्या करता है, अमर हो जाता है। इसी सद्गुरु के भक्तों के बारे अमर तत्व स्पष्ट करने के प्रयोजन से सद्गुरु विस्तार से कथा कहते हैं, जिसके बारे में हम आने वाले गुरुवार को कथन करेंगे अवश्य। अभी हम स्थित होते हैं